सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राम। मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताऊंगा एसएससी जीडी की जितनी भी परीक्षाएं अभी स्थगित हुई हैं। आपको पता है कि एसएससी की सबसे बड़ी परीक्षा एसएससी सीजीएल वो भी स्थगित हो गई है। उसका एक्चुअल मेन रीजन क्या है, इस पूरी रिपोर्ट को मैं फुल एनालाइज करके आपको बताऊंगा और कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है क्या ये जो न्यूज है वो बिल्कुल सही है। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट को मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हुआ है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरी रिपोर्ट बता देता हूं कि इसके अंदर हुआ यह है कि यानी कि जो एसएससी, जो आपको पता होगा वो जो एजेंसी है वो पहले पेपर कराती थी, और उस कंपनी के अंदर जब जो सीबीआई की तरफ से जांच बैठी गई थी, आपको पता होगा कुछ समय पहले एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट ने हड़ताल किया था दिल्ली में और वो उसी के लिए आंदोलन किया था। और जब उस आंदोलन की जो जानकारी आपको पता है, जैसे ही सीबीआई को मालूम चली, इसके ऊपर क्या हुआ कि एसएससी के ऊपर सीबीआई ने जानकारी चेक की, पूरी की पूरी पूछताछ की, उसमें कई सारे पर्सन उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। तो उस सब व्यवहार को देख करके ये जो अभी आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने ये एसएससी जिम्मेदारी दे रखी है कि आप इसका पेपर कराइएगा, तो वो अभी क्या चेंज कर दी गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। देखिए, हुआ यह कि ये आप देखिए अमर उजाला का पेपर है इलाहाबाद में, मुझे अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है तो मैंने सोचा आपको बताना बहुत जरूरी है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि देखिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जुलाई 2018 से लेकर जनवरी 2019 के बीच में होने वाली सीजीएल समेत 10 प्रमुख परीक्षाएं स्थगित कर दिया गया। आपको पता होगा कि अभी आपने एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन निकला था और उसके साथ ही साथ 10 और पेपर एसएससी कराने वाली थी। इसमें क्या हुआ ये कि अब ऑनलाइन परीक्षा के लिए नई एजेंसी के चयन के बाद ही नई तिथियां घोषित की जाएंगी। आयोग की ओर से 28 जुलाई को सिपाही भर्ती परीक्षा प्रक्रिया बीच में रोके जाने के बाद मंगलवार कैलेंडर जारी करने के साथ एक और बड़ा बदलाव किया गया। इससे परीक्षार्थियों की चिंता और भी बढ़ गई है। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी परेशानियां यहां पर आपके लिए, वेरी बैड न्यूज है ये। जारी कैलेंडर में आयोग ने परीक्षाओं की तिथि के साथ नए भर्ती परीक्षाओं को घोषित करने की तिथियां में भी बदलाव कर दिया है। आयोग के कैलेंडर में 25 जुलाई से 20 अगस्त के बीच होने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2018 टियर फर्स्ट समेत जुलाई 2019 तक होने वाली 10 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कि आपके एसएससी जीडी भी शामिल है। एसएससी की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी निवारी एजेंसी सीफी, इस एजेंसी का आप नाम याद रख लीजिएगा, ये एजेंसी जो अभी तक आपको एसएससी सीजीएल, और आप देख सकते हैं एसएससी की जितनी भी अब तक एग्जाम हुए हैं वो सीफी के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। सीफी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। सीबीआई ने भी सीजीएल 2017 की जांच में सीफी के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसी कारण आयोग ने सीफी को ऑनलाइन परीक्षा से हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक सीफी जो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराती थी, वो उसका जो ऑनलाइन कराने का जो जिम्मा है वो किसी दूसरी संस्था को दे दिया जाएगा। आगे इसमें रिपोर्ट कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर और भी इसका जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि 30 यानी कि 30 सितंबर के बाद तय होगी नई एजेंसी, यानी कि अभी अभी इसको कुछ टाइम दे दिया गया है, उसको तो हटा ही दिया, एकदम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके बाद दूसरी जो नई एजेंसी जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप एसएससी जीडी और एसएससी से रिलेटेड और भी एग्जाम आप कराएंगे, तो उसके लिए 30 सितंबर के बाद ही तय होगी नई एक और एजेंसी जो आपका एग्जाम कराएगी। एजेंसी चयन के बाद ही एसएससी करा सकेगी परीक्षाएं, केंद्र सरकार ने एनआईएसजी को दी जिम्मेदारी। संख्या आप देख सकते हैं यहां पर, पूरी रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इलाहाबाद का न्यूज है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ कि एसएससी की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए नई एजेंसी का चयन कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने, यहां पर आप देखिएगा लिखा है एनआईएसजी को सौंप दी है। इसमें क्या होगा कि एनआईएसजी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही आयोग ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करा सकेगा। अब तक कार्यरत एजेंसी सीफी की जांच के घेरे में आने के बाद केंद्र सरकार ने उसे ऑनलाइन परीक्षा कार्य से बिल्कुल हटा दिया है। सूत्रों का कहना है कि नई एजेंसी के चयन के काम में लगी एनआईएसजी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, इसके बाद ही नई एजेंसी तय हो सकेगी। नई एजेंसी के चयन के बाद ही आयोग आगामी ऑनलाइन परीक्षाओं के बारे में सोचेगा और उनकी जो भी डेट तिथि है और उनके परिणाम भी घोषित करेगा। साथ ही आपको पता होगा कि नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी, लेकिन यह सब होगा 30
सितंबर के बाद माने तो सीफी को ऑनलाइन परीक्षा के काम से हटाने की तैयारी छात्रों के आंदोलन के दौरान ही हो गई थी। सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच के दौरान सीफी कर्मचारियों का पकड़ा जाना भी उसके लिए घातक साबित हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया था और उस आंदोलन का आज ये जो रिजल्ट निकला है, जो एजेंसी सीफी थी जिसने कुछ गड़बड़ी की और उसने क्या उसके सारे कर्मचारियों ने गड़बड़ी की। बहुत सारे ऐसी न्यूज निकल कर आई थी कि सीफी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी कुछ करोड़ों रुपए लेकर के और एसएससी सीजीएल और बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो भी पोस्ट होते हैं वहां पर वो सिलेक्शन दिलवाते थे, जबकि पेपर आने से पहले लीक हो जाता था। तो काफी सारी जो भी गड़बड़ी हुई है उनका निवारण करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई एजेंसी के लिए बातचीत चल रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एग्जाम्स हैं जो कि आपके रिजेक्ट कर दिए, कैंसिल कर दिए। आगे उनका जो डेट होगा वो 30 सितंबर के बाद ही होगा। एसएससी की ओर से स्थगित हुई परीक्षाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। सीजीएल 2018, इसमें बताया गया था कि जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम होगा, लेकिन अभी वर्तमान में इसका कोई घोषणा नहीं है, यानी कि कैंसिल कर दी गई है। देख सकते हैं आप यहां पर कांस्टेबल जीडी, दिल्ली पुलिस एसआई, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड सीजीएल 2018 टियर सेकंड, ये आपके सारा का यहाँ पर प्रोग्राम दे रखा था, लेकिन अभी ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। इसके बाद जो भी नया प्रोग्राम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि नए पदों को घोषित करने की तिथि भी बदल दी गई है। यहाँ पर जो अभी नेक्स्ट भर्तियां आने वाली थी सीएचएसएल, यहाँ पर जितने भी इसके पोस्ट थे वो बताने वाले थे नवंबर 2018 में, लेकिन अभी यहाँ पर जो डेट दे रखी है उसमें बताया जाएगा, यानी जर्मनी 2019 में आपको बता दिया जाएगा। मल्टी टास्किंग स्टाफ 2018 को यहां पर देखिए ये सब पूरा कैंसिल है, अभी होगा वो ये होने वाला है, ठीक है। और जेई भर्ती भी बताइए। इसी प्रकार सीजीएल सीचीएसएल की टियर सेकंड एंड टियर थर्ड की परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इन परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने की तिथि भी बदल दी गई है और आपको बता दी जाएगी। देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब सीफी नहीं रहेगी, इसके साथ ही साथ कोई नई एजेंसी आपके एग्जाम्स कराएगी। बाकी बहुत सैड न्यूज है, लेकिन एक तरफ से कहे ना एक अच्छा भी है, यानी कि आपके साथ हो सकता था कि अगर अभी एसएससी जीडी का यदि एग्जाम हो जाता तो उसमें कुछ पैसे वैसे लेकर के आपका सिलेक्शन वो रोक दिया जाता, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर है और ये बेकार खबर भी है, क्योंकि आप बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी एसएससी जीडी। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, 30 सितंबर के बाद ही ये सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तो सिर्फ मेरे भाई सिर्फ वेट करना होगा। सबसे अच्छी बात है यदि आप अपने पास आपके पास बहुत सारा टाइम है और ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि यानी कि एसएससी की जीडी की जो भर्ती है वो तो आने वाली है, ये कंफर्म है, लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत सारा है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ्स है, फिजिक्स भी है, ठीक है ना, मैथ्स है, हिंदी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है, रीजनिंग वगैरह, तो वो सब आप कंप्लीट कर सकते हैं, इंग्लिश भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके पास बहुत सारा टाइम है। दोस्तों ये जानकारी मेरे को अभी भी प्राप्त हुई जो कि आपको सूचित करना बहुत जरूरी मैंने समझा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।